राज्य में शीघ्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने सहित नौ सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को जदयू प्रखंड कमेटी द्वारा डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व विधानसभा प्रभारी डूमर चंद महतो व प्रखंड अध्यक्ष महावीर सिंह ने किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव रुद्रकांत लाल दास, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सांसद प्रतिनिधि राजकमल महतो, शंकर महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पंचायत चुनाव कराने में टालमटोल कर रही है, जबकि पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुए एक वर्ष बीतने को है। कहा कि सरकार पंचायत कार्यकाल का दो बार अवधि विस्तार कर चुकी है और आगे की मंशा भी सरकार की स्पष्ट नहीं प्रतीत हो रही है, जिससे आम जनता में रोष व्याप्त है। धरने के अंत में मुख्यमंत्री के नाम वीडियो को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अति शीघ्र कराने, गर्मजरुआ जमीन का ऑनलाइन राजस्व रसीद निर्गत करने, प्रखंड में संचालित विभिन्न माइंसों के कागजातों की जांच करने, ग्रामीण जलापूर्ति योजना जामतारा डुमरी में नया टंकी का निर्माण कराने सहित विभिन्न कमियों को दूर करने, रेफरल अस्पताल डुमरी में बंद पड़े एक्सरे मशीन चालू करने, डुमरी प्रखंड के सभी चार पहिया वाहनों के लिए टोल प्लाजा में निःशुल्क पास निर्गत करने की मांग आदि शामिल है। धरना में मंटू रवानी, चेतलाल महतो, शंभुनाथ महतो, अभिषेक सिंह, रामवृक्ष सिंह, मोहम्मद हकीक, उमा शंकर सिंह, विनोद यादव, गुरुदेव राय, तुलसी साहू, अबुल कलाम, रेवतलाल महतो, जितन तुरी, तापेश्वर महतो आदि उपस्थित थे। कि अविलंब सबसे पहला है पंचायत चुनाव को की घोषणा करना। अगर पंचायत के चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे तो हम लोग जिला से लेकर के पूरे प्रदेश में विचार कर लिए हैं कि पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत। शंकर बाबू लीजिए। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब पंचायत चुनाव कराया जाए और जो व्यापक भ्रष्टाचार जो प्रखंड में है उस पर अंकुश लगे, और गैर मजरूबा जमीन का जो रसीद नहीं काट रहा है इसका हम लोग मांग करते हैं आज धरना के माध्यम से कि गैर मजरूबा जमीन का रसीद काटा जाए, और स्थानीय लोगों को जो यहाँ टोल प्लाजा जो चल रहा है अभी उसमें स्थानीय लोगों को बहाली किया जाए। यही हम लोग का मुख्य मांग है और इस पर हम लोग धरना दे रहे हैं। और हमारे जिला का जिला अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का नेता आए हुए हैं और सारे प्रखंड कमेटी के लोग हैं। डुमरी प्रखंड जनता दल की ओर से नौ सूत्री मांगों के लेकर के डुमरी प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। पहला मेरा सबसे है कि आपका पंचायत चुनाव अति शीघ्र करावें। दूसरा है आपके डुमरी में जितना भी खनन माइंस है उसकी जांच करें। तीसरा यह है कि टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों की बहाली करें। पांचवा यह है कि गैर मजरूआ जमीन को आपका अतिशीघ्र रसीद निर्गत करें। और डुमरी में जामतारा और डुमरी में पेयजल की आपूर्ति सुदृढ़ करें। इन्हीं चंद मांग डुमरी प्रखंड का यह सांकेतिक धरना है। हम सरकार से सीधे मांग करते हैं कि पूरे राज्य में जो मुखिया का चुनाव कई माने वर्ष से टाला जा रहा है, यह मुखिया का चुनाव अविलंब हो, इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। मुखिया का चुनाव नहीं होने से पंचायत और गांवों में जो विकास का कार्य है वह करीब करीब ठप है, और नहीं तो कुछ जगहों पर सिमट के रह गया। इसमें मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी घाट से साठ गांठ से अब काम चलने लगा है, इसलिए पूरे पंचायत के हर गाँव में विकास का कार्य बंद हो गया है करीब करीब। इसीलिए हम चाहते हैं और हम जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड के लोग और जिला के भी जो लोग हम लोग आए हैं कि पूरे झारखंड में सरकार अविलंब चुनाव कराने की घोषणा करे, ताकि नई जो व्यवस्था होगी उसमें पूरे पंचायत में ढंग से विकास का कार्य आगे बढ़ेगा, अन्यथा आंदोलन का रूप हम लोग और बाध्य होकर के करेंगे, जिसके लिए जवाबदेह सरकार की होगी, हम लोगों की नहीं होगी।